वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मगध बिहार। आज हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन क्लास टेंथ का सिलेबस का डिस्कशन करेंगे और साथ ही ये देखते हुए चलेंगे कि पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पारामेडिकल, पारामेडिकल डेंटल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी जानते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारे भविष्य में जो भी बहुत से दोस्त लोग हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और आईटीआई वगैरह के, वो भी इसको ध्यान देंगे। चलते हैं, पहला है हमारा क्लास टेंथ का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, इसे हिंदी में जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह है पहला चैप्टर जिसमें हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसे लिखने के लिए क्या क्या अप्रोच फॉलो किया जाता है, इसे कैसे हम लोग कितने तरह के होते हैं ये जानेंगे। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते हैं, सब देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड सेकेंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण। ये इसमें देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है, बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और देखेंगे सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या उसका रिएक्शन होकर के हमारा प्रोडक्ट मिलता है, और देखेंगे कि बेस को जब हम लोग सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। साथ ही देखेंगे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, इन सब के साथ जब इन सब का रिएक्शन कराया जाता है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। अब देखते हैं थर्ड है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु, धातु और अधातु। इसमें देखेंगे कि धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इसे कैसे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, कैसे पहचान पाते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। अगला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब यह हुआ कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन क्या होता है, कार्बन का कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से यौगिक बनाता है, कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके यौगिक को हम लोग किस तरह से यूजेस करते हैं, कितने तत्व हैं, मतलब कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं, ये सब देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं, ये है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक रूप से कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्या होता है प्राकृतिक संसाधन, इसका हम लोग किस तरह से डेली लाइफ में यूज करते हैं और कैसे इसे हम लोग बचा करके रख सकते हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि हमें भविष्य में भी इसकी अच्छी तरह से आपूर्ति मिल सके। ऐसा नहीं कि हमें जैसे कोई भी चीज़ मिल रहा है, जैसे कोयला मिल रहा है, कोयला को ऐसे ही बर्बाद करते रहें, बहुत से गैसेज मिल रहे हैं, गैस को ऐसे ही जला दें, बिजली हम लोग को मिल रही है, बिजली को बर्बाद करते हुए बहुत से देखते हैं घरों में कि फैन ऑन कर दिया और सोए हैं, उसके बाद उठे और छोड़ के चले गए, कम से कम फैन को बंद कर दें ताकि बिजली जो है हमें बचे, इलेक्ट्रिसिटी बचे, ठीक है। अब देख हम आप लोग को ये
कहेंगे कि कैसा लगा ये वीडियो जो बताइए कमेंट बॉक्स में, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। धन्यवाद।